बताओ मम्मी क्यों चिल्लाई थी? लीजेट लीजेट नहीं है वो उंदरा है, उंदरा इतना मोटा सारा उंदरा। ए उंदरा उंदरा पता सीखा? माउस माउस क्या था? माउस। आप ऊपर क्यों बैठी हो यशविनी? आओ ना नीचे। क्यों नहीं आना? माउस है। माउस है तो आप इधर क्यों छुपी हो? आपको कौन बचाएगा इधर? पूजा। छे छात तो कहीं होनी ना ना कहीं खड़े ही होनी जगह तो कौन नहीं रिशु बाबा अंदर ही है खड़े यशविनी वाला कहीं नीचे है ऋषु बाबा सर ध्यान रखे आगे उसे हाँ आ चूहा आ गया अपने घर पे चूहा हाँ खा जाता है हम तो दोनों ऐसे बैठे गाइस देख सकते तो गाइस फाइनली चूहा हमारा निकल गया। मैं तो घर की हालत देखो क्या कर दी ऋषु के पापा ने सोफे वोफे सारी चीजें हटा दी यशु ये चूहा पता ये ना खा ही जाता आज मुझे मैं जैसे ही किचन को मैंने खोला गाइस और वैसे ये चूहा मेरे पेट पे आके गिरा मोटा सारा 5 किलो को चूहा मम्मी के पेट से ही गया था वो चलो सही करके मेरा मर माथा फरार पड़े पूजा ईशो चोर को भगवान के समय चिल्ला ही जो ऋषो पापा ये सोचा का ही हो गयो और यशविनी सुन मखाना यशविनी मेरे साथ गई थी यहाँ की मेरे को मखाने खाने मखाने खाने यशविनी ने सोची बाकी मेरे पीछे जो सर लाफी मुद्दे को चमका रहे ताकि पैसे ही पैसे आए करंट आ जाओगा मारोगा के एक लावारिस बन बचाओ के जायदाद का नहीं इसको नहीं मारता जायदाद का वारिस बनना चाहे बताओ पूरी प्रॉपर्टी नाम करा बचाओ के एक लाई क्यों पीती नॉमिनी रिक्शा बन रहा सफाई तो करा गयो और वो तो मेरे को नहीं तेरा माता पर भी जाड़ा कर गयो माता पर गुद्दे हो गए माता पर गुद्दे हो किद्दो काश भी टाइम वीडियो ऑन रखती सही रहे तो सब कोई यहाँ भी कौन का दी यशविन ले ऋषु पापा प्लीज ना देर करो जल्दी जाए बस होता ये बेटी चमका रही है फ्रिज को क्या बोल कुछ तो बोल बोल मुझसे इसीलिए अपन कहाँ घूमने गए थे बताना शाम को है और मैंने आप पे गुस्सा किया था क्या क्यों कह रहा था बताना आपने बोला मुझे बिस्किट अभी की अभी चाहिए मैंने कहा चाबी नहीं मिल रही है तो आपने क्या बोला मुझे तो अभी चाहिए मुझे क्या, तो क्या, क्या? पानी अबल आ गयो वापिस गाइस पानी अबल आ गयो बठिल्लो सलटाया जित्याना वो चाल गयो आज तो ही चाल रहे पिटी कितना नहीं लिया हो है खुल्ला एक चूहे ने कितना बबाल मचाया घर में कचरे को देख सकते पापड़ ऐसे नहीं होता पापड़ बोल पापड़ ये ले झापड़ के पूरा का पूरा घर सही हुआ है फिर से नहीं तो हालत खराब हो गई थी इसके नीचे भी काफी सारा कचरा निकला गाइस चूहे ने काम फैलाया नहीं मतलब काम करवाया है और ऋषु के पापा के लिए मैं बना रही हूँ खिचड़ी ऋषु के पापा ऐसे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा लाइट खाना ही बनाओ मेरे लिए यशविनी के लिए मैंने रोटी बना दी ऋषु के लिए रोटी बना दी और आज मुझे क्या भूख नहीं है मैंने लेट खाया था खाना तो उस वजह से वो पापड़ वगैरह भी खा लिए थे
9:30 बज चुके हैं गाइस, और अभी बस खिचड़ी जैसे रेडी हो जाएगी, फिर बच्चों को तो मैंने खिला दिया, जैसे रिशु है उसको मैं खिला के मैंने भेजा था, और यशमी को है ना देखो कैसे पसीने आ रहे हैं। कैसे हो? किसका संडे का वेट करे? संडे को अपन है ना बेटा बहुत मस्त मस्त जगह चलेंगे, ठीक है? यही घुमा सकते हैं, आप तो बिजी रहते हो। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी सा गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हमारी स्टार्ट हो गई, अभी तो गिर जाती मैं स्टार्ट के साथ ही। हेलो, हमारी रानी भी आ गई। मैं वो जैसे ही ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते ही मुझे पता चला मेरी यशु रानी भी आ रही है। आज यशविनी आपको मैं लेने आई हूँ, आ जाओ आ जाओ, ये बाय करो। कोई भी सुबह से व्लॉगिंग करी नहीं क्योंकि रात को आप सबको पता ही है चूहा आ गया था, उस वजह से हमारी नींद खराब हो गई, साथ ही साथ मेरे को कितना सारा काम करना पड़ा तो मैं एकदम थक चुकी थी, इतना लेट उठी हूँ मैं। वैसे यशविनी को मैंने स्कूल भेजा, स्कूल भेजने के बाद में कुछ नहीं किया, बस टीवी देखी मैंने और ऋषु के पापा ने पूरे टाइम, बस अब जस्ट अभी नहा के आई हूँ मैं और कुछ नहीं किया। और हमारी जो यशविनी है उसको आजकल है ना साइकिल का चस्का चढ़ाया गाइस, नहीं तो ये पता है हम है ना ऐसे सोचते थे कि यार ये साइकिल कब चलाएगी, जब ऋषु था ना छोटा तब तो वो ना इतना जल्दी साइकिल चलाने लग गया था, और ये सारी की सारी ऋषभ वाली साइकिल यूज कर रही है, ये काम भी मांग रही है। ओके, ये वाली यशविनी की है। तो गाइस थोड़ी सी देर है ना यशविनी साइकिल चलाएगी और फिर उसके बाद में ऊपर चलेंगे, ऊपर जाके खाना वगैरह भी बनाना है। बस मैंने यशविनी का लंच बॉक्स ही बनाया था, और ऋषु हमारे सुबह पहले ही मेरे जो जेठसा है उनके घर पे चले गया था, अब वो वहाँ से है ना मैम के साथ है ना पढ़ने के लिए जाएगा। हाँ यशु, आपने खाना खा लिया पूरा? पक्का? यशविनी है ना, अब इसको स्टॉप करो, चूचा बहुत कर रहा है, इरिटेट कर रही है ये साइकिल मुझे, ये देख कैसे आवाज मार रही है ये। चले ऊपर चलो पापा के पास चलते हैं। है ना देखो आंखें रेड हो रही है, इसके पापा ने कर दी इसकी आंखें। कैसे क्या किया था यशविनी रात को जब इसके पापा ने नहलाया था ना यशविनी को, तो साबुन लगा दी थी इसकी आंखों में, ब्रश किया था, फिर क्या हुआ था? पानी मारा था। पापा ने मारा था क्या पानी? और पानी से लगा या फिर ये पपीता ने क्या काटना बता? बीज काट दे और बिन बीज ना काट के बगा दे, पीछे को छिलको भी उतारना है। मत सोना मेरे पास भी, मत सोना मेरे से बात भी मत करना, क्योंकि आपने मुझे चेयर पे नहीं बैठने दिया ना, आज के बाद में तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अब मैं कट्टी हूँ आपसे। आंखें देखिए लाल हो रही है यार शिव पापा है, एकदम आंखें लाल हो रही है, आपको डॉक्टर के पास। ठीक है मत कर, भाग यहाँ से। पप्पी तो काट लेगी तारी, तो मन बिल्कुल पसंद हो रही पप्पी तो, ये पूजा वे जीजू सा पकड़ार गए है, उसके बीज निकाल दे और पीछे से कवर हटा दे। बीज तो भी कमाइन है ही कोनी, पपीता में बीज आवे आ दिखाऊ अटी ना, छोटा छोटा अटी ना, ये पपीता में तो बीज बिल्कुल ही कोनी। खाना बना दू आपके लिए गाइस, आज देखो मैंने मांग भरी है एकदम लंबी वाली, आप सबका रहता है ना कि आप मांग नहीं भरते, तो आज मैंने मांग भी भरी है, टिक्की भी लगाई, सारी चीजें करी है, और अब मैं बना रही हूँ ऋषु के पापा के लिए और यशविनी के लिए चपाती, और मैं और पूजा भी खाना खाने वाले हैं, थोड़ा लेट ही हो गया आज खाना में बनाने में तो क्या मतलब, ऋषु के पापा को मैंने ऐसे बोला था कि है ना आप है ना खाना आपके लिए बना दूंगा, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं अभी मेरे को भूख नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने जूस पी लिया था, फिर उसके बाद में उन्होंने पपीता खा लिया था, और अब जाके उनको भूख लगी है, तो बस उन्हीं के चक्कर में हम भी लेट हो गए। सब्जी बन गई, आटा लग गया, और बस चपाती चपाती सेकनी है। ऋषभ हमारा सुबह पहले खाना खा के गया था आज, मतलब वो जेठसा के गया था ना उसी टाइम उसको खाना खिला दिया था, और फिर वहां से मैम लेके चली गई। बैकग्राउंड में हमारी जो यशविनी है वो पता है क्योर हो रही है आज है ना, उसकी मैम ने उसको ये बोला था, उसकी जो डायरी है ना उसके अंदर है ना फोटो लगानी है यशविनी की, तो फोटो के लिए रो रही है, वो फोटो है ना मैं मतलब इतना मैंने ढूंढ लिया पूरे घर के अंदर, यशविनी की फोटो नहीं मिल रही पासपोर्ट साइज, तो इसको मैम ने स्पेशली आज बोल के भेजा है कि यहाँ पे ना फोटो लगा के फिर लेके आना, तो उस चक्कर में है ना ऋषु के पापा भी उसकी फोटोज ही ढूंढ रहे, मैंने तो ढूंढ ली भाई एक घंटा लगा दिया नहीं मिली। तो गाइस अब मैं बनाती हूँ रोटी, और साथ ही साथ है ना जो मम्मी ने मेरे को क्लिप भेजी थी वो इंजॉय कर रहा हूँ।
हेलो गाइज, अब देखिए हमारा खेत दिखाया जाएगा। ये है सूरज के पापा ने खरीदा हुआ खेत है और दादू सा ने दिया, वो उधर है, वो दिखाया जाएगा आपको। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे थे, सूरज अर्जुन सब छोटे थे, तभी खरीद लिया था, बहुत साल पहले खरीदा था। ये आपको खेत दिखाया जाएगा। अब आपको खेत दिखाती हूँ मैं, हमारा अनाज दिखाती हूँ कैसा क्या है। ये देखिए गाइज, मूंग है, ये देखिए गाइज मूंग है, ये ऐसे मूंग है। और आपको आराम से दिखाऊंगी, देखो बहुत बड़ा खेत है, 36 बीघा है एक जगह पे ही। पूरा अच्छा खासा भरा हुआ खेत है। अब की टाइम बारिश बहुत अच्छी से हुई तो धरती माँ ने नाज भी अच्छा दे दिया है ना। मतीरे भी दिखाऊंगी आपको, ककड़ी भी दिखाऊंगी आपको, सब दिखाऊंगी। वो आगे की साइड है, उधर गुआर है, और फिर आपको बाजरा भी दिखाऊंगी गाइज। ये इधर की साइड बाजरा है, और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, टीले पर चढ़ के गाड़ी खड़ी हो गई। और वो इसके सूरज के पापा घूम रहे हैं, आपको पास में जाके दिखाऊंगी। और कल वाले वीडियो पे आपको, आपने इतना प्यार दिया, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना प्यार दिया, आपने बहुत अच्छा बताया। और मैं आपको बाजरा दिखाऊंगी, बहुत दूर तक है गाइज, बहुत काफ़ी दूर तक है। इधर की इधर यहाँ बोलते हैं सीम, इधर की सीम और इधर की सीम दिखती नहीं है, इतनी दूर है, बहुत बड़ा खेत है। ये देखिए वो दूर दिख रहा है ना मकान, वो मकान है, दूर ऊँट गाड़ा है। और ये बाजरा मोठ भी दिखाएंगे, मोठ निकालते हुए दिखाएंगे, मतीरे ककड़ी भी दिखाएंगे। ये देखो यहाँ लाग रही है मतीरा, यहाँ लाग रही है मतीरा, इसको गाइस तोड़ सकती हूँ मैं, इसको बोलते हैं मिट्टी। ये देखिए गाइस, झाड़ी है, ये गाड़ी खड़ी है टीवी के ऊपर, पापा ने बड़ी शौक से खड़ी करी है टीवी के ऊपर लाके, बापड़ी गाड़ी को कितनी तंग करी है देखो। और वो देखो मोठ निकाल रहे हैं लोग, उधर ऊँट भी दिखाऊंगी आपको, उधर ऊँट भी है, मोठ भी इकट्ठे कर रहे हैं। ये ज़्यादा खेत है ना, दो जनों ने बा रखा है हमारा, तो उधर वो फाड़ रहे हैं मोठ माठ डाल के इकट्ठे करेंगे। और ऐठी ने इकट्ठा कर लिया, और अब काट सी आज, टिब्बे पर चला नहीं जा रहा गाइस, सांस भर रहे हैं। अरे ये देखिए मतीरे लग रहे हैं, ककड़ी लग रही है, इसके पापा बोल रहे हैं लोहे तोड़ ले, लोहे तोड़ ले, लोहे बोल रहे हैं काकड़ी का छोटा छोटा भी काम, मतीरे का छोटा छोटा हुआ नहीं, शुरू में लागता ही हुआ जगह। ये मतीरे की बेल है, देखो गाइस ऐसे लग रही है मतीरे, ऐसे ऐसे लग रही है ऐसे। ये देखो खूब बड़ा बड़ा बाजरा है, देखिए गाइस ये नाज निकल गया। मम्मी ने ना पहले वाली क्लिप है ना शेयर करी थी ना मेरे को, तब मैंने ऐड करी थी व्लॉग के अंदर, तब मम्मी ने स्पेशली मुझे फ़ोन करके पूछा था कि मेरे जो गाइज है वो मेरे लिए क्या क्या बोलते हैं। सारे कमेंट मैंने पढ़ पढ़ के मम्मी को सुनाया था, मम्मी इतना ज़्यादा खुश हो जाती है सारी चीज़ें देख के और सोच के, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता, आप सबको पता ही है, या तो मैं बताती हूँ या फिर ज्योति भाई सब बताते हैं उनको। और आज ना मम्मी और पापा पूरे दिन खेत में रहे थे, यहाँ पर अनाज वगैरह निकाला था, और हमारे खेत में अच्छा खासा अनाज हुआ है। और अनाज में हमने क्या क्या लगाया था, मूँग बाजरा और मोठ लगाए थे, आज मोठ निकाले जा रहे हैं, और मूंग है ना थोड़े दिन बाद में निकलेगा।
और हमारे जो खेत में जो बुआई वगैरह करते हैं वो हिस्से जैसे करते हैं ना, मतलब हाफ हाफ हो जाता है, जो मेहनत करता है उसको हाफ मिल जाता है और जो जैसे जिसका खेत होता है और जो है ना मतलब खेत में ट्रैक्टर वगैरह चला रहा है या फिर जो भी बीज वगैरह लगा रहा है जैसे हमने किया था ये सारी चीज़ें, तो हमारा आधा हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार वाले मोठ हुए हैं, बहुत ही शानदार वाले मूंग हुए हैं। प्लीज़ यार आप थुतकारी डाल देना। और पापा मम्मी तो इतने ज़्यादा खुश हैं, आप सबको पता ही है यार खेतों में से ना जो अनाज वगैरह निकलता है तो कितनी खुशी मिलती है। आप सबको भी पता ही है चूरू साइड के जो खेत है वो ऑलमोस्ट बारिश पे डिपेंडेड रहते हैं। बारिश जब अच्छी खासी आती है तो अच्छा खासा अनाज हो जाता है, अगर बारिश कम आती है तो थोड़ा बहुत कम होता है। बट अब की बार काफ़ी अच्छी बारिश आई थी तो उस वजह से काफ़ी अच्छा अनाज हुआ था। और हमारा जो खेत है वो हमारा जो गांव वाला घर है उसके 2-3 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है। और ये वाला खेत एक है, इसको मूल्या खेत बोलते हैं, मतलब नाम निकाल रखा है, आप सबको मैं बताती हूँ। और एक धोड़िया खेत भी है जो कि उसमें भी अनाज जब निकलेगा तो मम्मी को बोलूँगी कि वहाँ से भी मम्मी क्लिप भेजे। आप सब पूछ रहे थे कि मम्मी पापा कब आएंगे, तो मम्मी पापा मतलब जितने भी खेत वगैरह का जो भी काम वगैरह है वो सारा फिनिश हो जाएगा ना, फिर उसके बाद में आएंगे। मतलब कम से कम 1-1.5 महीना लगी जाएगा। मम्मी का ना नवरात्रे का फास्ट वगैरह भी होने वाला है उसी के बीच, क्योंकि मम्मी हमेशा नवरात्रे में वहीं उसी साइड रहती है। और हाँ, मेरे को आप ये बोल रहे थे कि आपके ना श्राद्ध वगैरह नहीं निकालते क्या, तो हमारे श्राद्ध वगैरह निकालते हैं, बट वो मम्मा वहीं पे निकालेंगे। जब निकालेंगे तब मैं आप सबको ज़रूर शेयर करूँगी। मैं होमवर्क करवा रही हूँ, खाना वगैरह ऋषु के पापा को लगा दिया है और यश्विनी का मैं खिला रही हूँ। साथ में मैं सोच रही हूँ कि एक पंथ दो काज कर देती हूँ। यार हाउस वाइफ के लिए ना कितना डिफिकल्ट हो जाता है सारा काम करना। मैं साथ साथ में व्लॉगिंग आजकल कर ही नहीं पा रही। आप बोलते हो कि 4 बजे वाला व्लॉग भी दो, मैं ये सिंगल व्लॉग ही नहीं दे पा रही आजकल। जैसे ही यश्विनी को मैंने होमवर्क करवाया, होमवर्क करवाने के बाद में ऋषु के पापा ने ऐसे बोला कि चलो बाहर चलते हैं और मौसमी वगैरह सारी चीज़ें लेके आनी है, मतलब एप्पल वगैरह भी लेके आने हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें फिनिश हो गई है। 600 ऋषु के पापा 600 कितने के? अच्छे से बताओ भैया, 600 फिर तो चलो 450 रुपए। मैं रोज ले जाऊँ? नहीं, इन्हीं से लेके गए तो भी ये 600 कैसे बोल सकते हैं? तो हम निकले थे हमारे घर पे ना, जूस वाला जो मौसमी का था वो कट्टा वो फिनिश हो गया। तो आज है ना, सपना ने भी मेरे को ऐसे बोला था कि यार जब भी तू मौसमी का कट्टा लेके आए ना तो तू मेरे लिए भी लेके आना, तो उसके लिए भी मैं लेके आई हूँ आज। तो सच में गाइज मौसमी का जो रेट है आसमान छू गई, 600 रुपए बोले थे उन्होंने, है ना? क्यों, मतलब ऐसे 2-3 दिन में ही चेंज हो जाती है ये रेट ऋषु बाबा? अच्छा, सप्लाई की कमी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने जैसे तैसे करके 550 में कट्टा लेके आए हम। चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है, तुमसे मिलने के बाद दिलवर। मैं क्या कह रही हूँ, अरे वो कट्टो चाहिए, कौन चाहिए कट्टो? 550 रेट है बात। नहीं नहीं, वो तो मैंने ले लिया, तेरे से पहले ले लिया, वो डिग्गी में पड़ा है। तो है ना, तेरी साइड उरी आ रही हूँ, जो निकलवा लीजिए ना, मैं आ रही हूँ जोटवाड़ा उर। हाँ बता। हाँ, तो गाइज आप देख सकते हो ये है ना हाथियों हाथ हिसाब करती है। ऑडियंस हाथियों हाथ हिसाब करा, सपना सपना के पास देर है अंधेर नहीं। तेरी कसम आ रही, फिर बाद में मैंने सोचा कि मैंने ऋषु के पापा को बोला मैं इस साइड से ही ले चलो आप, और फिर आते टाइम वो कट्टा दिखी गया था, वो दुकान दिखी गई थी, उससे इतना तो जिद बहस करी क्योंकि 450 में लेके गए थे अभी 4 दिन पहले ही, और आज 600 करने लगे। लेके जाना सपना, मोसी लेके नहीं जा, तू जिमा से स्टार्ट कर, ये लेके जा चुपचाप, तो कल से स्टार्ट कर रही है ना। स्टार्टिंग में सिर्फ आधा आधा किलो के डंबल उठाने पड़ते हैं। है ये उठा, उठा उठा उठा, बस एक रील को नहीं आएगी कि पति दिखता है तब है ना सिलेंडर। सिलेंडर है ना, ओ माय गॉड, ये तो मैं चल ही नहीं सकती। हां किसको ना, चल मैं तो उठा सकती हूँ, ये देख स्ट्रांग अगर कोई लड़की है ना तो मैं। ये 15 किलो थोड़ा
चींटियां नहीं है बिट्टू, मुझे अपन फोन पे में करते तो कैसे लगते हैं ना 15,000 रुपए भी नॉर्मल आ गए। और जब मैं सुन एक एक नोट ऐसे गिन रही थी ना तो तेरा जी दुखाया, फील हो रहा था यार कुछ ज्यादा खर्चा कर दिया, कर दिया। यश्विनी अंदर नहीं जाना बेटा, इधर ही रखेंगे इसका कट्टा। चल ठीक है बाय। अब देख तू प्रीति बस। तो गाइस इसको बोल दे रहा है 3 महीने मेरे आसपास भी ना भटके, ये यही है आसपास। तो देख मैं भटक सकती हूँ और अपन ना साउथ इंडियन खाना खाएंगे संडे को। गाइस ये सिर्फ मुझे भ्रमित करती है अपने लक्ष्य से, वरना मैं कब की पतली हो जाती हैं। मेरी जिंदगी में मोटा करने का फीचर आ रही है, सोचती है सपना को तो मोटी कर दू और मैं क्रॉप टॉप पहन के जाऊँ। अब मैं इसकी चाल समझती गाइस, खुद को वेट देख मेरे। तो मैं तो लाइक भी खोल रही। आप वो झूठे वाले कह रहे हो कि मैडम 3XL से ऊपर कुछ साइज नहीं है। ऋषु आप पीछे चले जाओ। तो गाइज घर पे पहुंच गई और फटाफट से मैंने चपाती बनाई। चपाती बनाने के बाद में ये जो केतली है ना इसमें घी है यार, घी में हमारा जो भी गांव वगैरह का था ना वो फिनिश हो गया। अब मैंने बेबिया को बोला था, बेबिया ने ऐसे बोला कि अभी तक तो नहीं है, होगा तो मैं तेरे को बता दूंगी। अब मुझे जोड़ी फ़ोन करके मम्मी पापा को बोलना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई किसी के पास भी घी वगैरह है तो प्लीज़ आप मेरे लिए भिजवाना। ठीक है ठीक है गाइज, अब आप कमेंट इन्जॉय करो, काफ़ी सारे कमेंट आते हैं मेरे पास। कुछ कमेंट मैंने आज डाले भी हैं और मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप मेरे को इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। ठीक है गाइज बाय।